हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात है कि भाई फोर्थ सेमेस्टर की जो टीचिंग है वो आप लोगों को मिल चुकी होगी और साथ ही साथ आप लोगों के एग्ज़ाम भी टीचिंग के बाद हो ही जाएंगे, है ना। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। तो अब देखिए, मैं बात करता हूँ छोटे से पॉइंट की कि 2015 वालों के साथ देखिएगा, ज़्यादातर बैक जो लगी थी वो कंप्यूटर में और इंग्लिश में लगी थी। बट हमें क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करना है। अभी से अपनी तैयारी पर जुट जाइएगा और ये वीडियो भी आपके लिए खास होगी। अति लघुतरीय प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और विज्ञान का आपका 25 नंबर का होगा, 12 नंबर आपको मिनिमम लाने होते हैं। इस बात से तो आप लोग पता होगा क्योंकि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका होगा कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भाई जो ऊर्जा देता है, सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है, इस बात से तो कोई दोराय नहीं होंगी। सेकंड क्वेश्चन आपका होगा परितंत्र का कार्य बताना है। तो ये भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परितंत्र का कार्य बताइए। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव और खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड, ये आपके कार्य हैं। किसके? परितंत्र का कार्य है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पारिस्थिति की पिरामिड की खोजकर्ता। और देखिए, अगर आप BTC करें तो ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन अगर हम UP TET भी देंगे ना, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। पारिस्थिति की पिरामिड के जो खोजकर्ता हैं वो चार्ल्स एल्टन, जो कि 1927 में किया था। पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार का होता है? देखिए, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। ये आपका तीन प्रकार का होता है, जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ओके, पिरामिड सीधा या उल्टा, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं भाई। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। पिरामिड किसे कहते हैं भाई? परितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीव भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शक यानी कि आलेखी प्रदर्शक करना ही आपका पिरामिड कहलाता है। इसके बाद देखिएगा, अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। देखिए, इसके उदाहरण हो गए जीवाणु और कवक। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला लास्ट वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे कि द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण आप लोगों को बताना है। द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण क्या होगा? मेंढक जो है आपका द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये भी आपका चलिए बन गया है। तो उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे कि मेंढक, टिड्ढा, खरगोश, सांप इत्यादि। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, उनके नाम आपको बताने हैं। देखिए, उपभोक्ता की श्रेणियां आपकी चार श्रेणियां हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और उच्चतम उपभोक्ता। उपभोक्ताओं के बारे में आपको पता होगा भाई, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं ना, वो सूर्य से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मेंढक द्वितीय में आता है। तृतीय कौन होते हैं? जो कि इन मेंढकों को खाते हैं। और फोर्थ कौन से होते हैं? फोर्थ वे होते हैं, जैसे कि शेर, चीता, ये सारे चीज मर गए ना, तो उनको जो मतलब अपघटक कहते हैं उनको, ठीक है, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 11 है, पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनाए हैं। वैसे हम लोग बचपन से पर्यावरण की परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, तो कोई भी डिस्कस प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त वातावरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही आपका पर्यावरण है। परितंत्र यानी कि पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किसने किया था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। किसने किया था? ये A.G. टांसले ने किया था 1935 में। ओके, बेहतरीन भाई। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परितंत्र के कितने घटक होते हैं? परितंत्र के दो घटक होते हैं आपके, जैविक घटक और अजैविक घटक। 14 नंबर आपका, जैविक घटक किसे कहते हैं? देखिए, परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीज़ें आती हैं, जैविक घटक कहलाता है। जैसे कि आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि। गाइज, आप लोगों के पास बुक होगी और आप सोच रहे होंगे सर बुक से करा रहे हैं। भाई ऐसा क्या होता है गाइज, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास बुक नहीं हो पाती है, यानी कि अवेलेबल नहीं हो पाती है, घर पर रहती है। तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं तुरंत ली, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब ऐसा है कि आप पे कोई दूसरे प्रकाशन की होगी, हम दूसरे से आपको रीड करा रहे हैं, तो भाई ये तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। अजैविक घटक किसे कहते हैं?
परितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं वो आपके अजैविक घटक कहलाते हैं। परितंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र को पारिस्थितिक भी कहा जाता है। दोस्तों परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को हम लोग परितंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? देखिएगा, तीन भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर बनना है कि उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादक वह होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे कि आपके हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल, है ना। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, ये है कि द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, तो इसमें पूछा है आपसे कि द्वितीयक उपभोक्ता से क्या आशय है। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधों से, नीले शैवाल, हरे शैवाल से प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे कि भेड़िया, बिल्ली, मेंढक इत्यादि। क्लियर है? मतलब ये जो शुरू गाइस माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए उत्पादक ये तो अलग है, लेकिन प्रथम उपभोक्ता अलग है। यानी कि प्रथम उपभोक्ता वो होते हैं जैसे कि आपका ये प्रथम उपभोक्ता में नहीं आएंगे। उत्पादक अलग है, प्रथम उपभोक्ता अलग है और द्वितीय उपभोक्ता अलग है। ठीक है, उत्पादक कौन कौन से आते हैं? हरे पेड़ पौधे, नीला हरा शैवाल। चलिएगा, बेहतरीन गाइस, आप लोग समझ गए होंगे और हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।